नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरीन। सिद्धार्थनगर जनपद में बाढ़ का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं शासन प्रशासन बाढ़ क्षेत्र का लगातार निरंतर दौरा कर रहे हैं। बासी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जग प्रवेश एनडीआरएफ की टीम के साथ आज दर्जनों बाढ़ क्षेत्रों गाँव का नाव से दौरा किया गया और ग्रामीणों को हर संभव मदद दिलाने का भी आश्वासन दिया गया। आपको बता दें, मियांजोत, मझवन, कला, गोठवा, हड़हा सहित कई गांव का दौरा किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक हम लोगों के पास कोई भी बाढ़ राहत सामग्री नहीं मिल पाई है और हमारे पास दवा भी नहीं है। हम बहुत लाचार हैं, हम लोगों में दवा वितरण कराई जाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जग प्रवेश ने बताया कि बाढ़ क्षेत्र के गाँव का जायजा लिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ जगह बाढ़ राहत किट और दवा की जरूरत है। वो हड़हा से जिगनी हवा आने के लिए कुछ नाव का और प्रबंध के लिए ग्रामीणों ने बताया, जिसकी व्यवस्था जल्द से जल्द की जाएगी। आज जैसा कि आपको पता है कि एनडीआरएफ की टीम आई हुई थी, तो एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत यहाँ मियांजोत से हमने शुरुआत की और लगभग 5-6 गांव, जैसे मियांजोत और डडवा हो गया, मझवन कला हो गया, उसके बाद मऊ, हड़हा, इस तरीके के 6-7 गांव थे, मेचुका, मऊ, तो इन सब में देखा गया कि किस प्रकार की स्थिति है। चूँकि पानी का जो स्तर है नदी का, राप्ती नदी का, वो अपने खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर चल रहा है और जो आज तक की सबसे भीषणतम बाढ़ रही है, जिसमें नदी का स्तर 85.880 रहा है, उससे भी लगभग 6 सेंटीमीटर ऊपर इस समय नदी बह रही है। तो हालात इस समय थोड़े से संगीन हैं, तो इसी का देखने के लिए कि क्या स्थिति है, आज दौरा किया गया, जिसमें एनडीआरएफ की टीम उपस्थित रही और ऐसे मार्गों को देखा गया कि जिससे अगर मान लीजिए इस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है कि इवैक्यूएशन करना पड़े, तो किस प्रकार किया जा सकता है। तो सर, कुछ गांव में अभी मतलब बाढ़ राहत सामग्री नहीं मिल पाया, कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक दवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ नहीं दिया गया, तो इस पर क्या कार्रवाई की? जी, जैसा कि मिला है कि दवा कई जगह नहीं पहुंची है और राहत सामग्री भी जैसे आ रही है उसी तरीके से बंटवाया जा रहा है। तो जैसे गाँव में भी 1-2 गाँव में आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही जैसे राहत सामग्री प्राप्त होती है, तत्काल वहाँ बंटवाई जाएगी।